आज हम बात करेंगे 17 और 18 फरवरी के मौसम के बारे में। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते मौसम के बीच में कभी बारिश तो कभी धूप के बीच सर्दी का सितम अब कम होने लगा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान की माने तो मौसम अभी शुष्क बना रहेगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से रात के तापमान में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई है, जिससे कि लोगों को सुबह और रात में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार मौसम शुष्क बने रहने की बात कही गई है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट की माने तो बताया गया है कि प्रदेश भर में उत्तर पछुआ हवा 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यही कारण है कि प्रदेश में लोगों को अभी भी ठंड का एहसास जारी है। विभाग ने यह भी कहा है कि प्रदेश के 1 से 2 स्थानों को छोड़ दें तो अधिकतम हिस्सों में न्यूनतम अधिकतम तापमान में जो है 2 से 5 डिग्री तक की जो है कमी देखी गई है। हालांकि दिन में चुभन भाली गर्मी पड़ रही है, जिससे धूप में निकलने में लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए अब जान लेते हैं 17 और 18 फरवरी के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 17 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 22 से 24 डिग्री रहने की बात कही गई है। तो वहीं पे न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं पे अगर हम 18 फरवरी के अधिकतम तापमान को देखें तो 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों को अगर हम देख रहे हैं तो इसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 17 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 22 से 24 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं इन्हीं जिलों का जो न्यूनतम तापमान है वह 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम 18 फरवरी के अधिकतम तापमान की बात कर लें तो अधिकतम तापमान जो है 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं पे न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री रहने की बात कही गई है। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 17 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है वह 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं 18 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है। तो वहीं पे जो इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है वह 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का 17 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है वह 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं पे अगर हम न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई। वहीं अगर हम 18 फरवरी के अधिकतम तापमान को देख लें तो यह जो है 22 से 24 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि वहां का न्यूनतम तापमान जो है वह 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 17 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है वह 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों के न्यूनतम तापमान को अगर हम देख लें तो 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। 18 फरवरी के अधिकतम तापमान को अगर हम देख लें तो 22 से 24 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों के न्यूनतम तापमान जो है वह 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 17 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम 18 फरवरी के अधिकतम तापमान को देख लें तो 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री रहने की बात कही गई है। ये थे बिहार में मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।